बहुत ही सुंदर विषय है कि वेदांत में जीव और ब्रह्म, भाई और बहनों बहुत ही सुंदर विषय है। वेदांत का अर्थ क्या हुआ? वेद प्लस अंत। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पास सबसे पुराने जो रिटन जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, वो है वेद। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्व वेद। इनमें अलग अलग तरह की बातें बताई गई है। मैं उसके विश्लेषण में, उसके जो है वो व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूँ, पर ये चारों वेद ईश्वर कृत है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, ईश्वर की वाणी है और ईश्वर ने बनाए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो हमारे लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है, स्तुति है और साथ साथ के अंदर हमारा उपकार करने वाले हैं। अब वेदों का अंत, वेदांत, वेद ईश्वर कृत है, उसका अंत करके उपनिषदें बनी, वो 108 उपनिषद है। ईश्वर के बाद जब हमारे ऋषियों मुनियों ने सोचना चालू किया, जो कि योग का जीवन जीते थे, लिपिबद्ध किया, तो उन्होंने अपनी व्याख्या की, उन्होंने भाष्य लिखे, चूर्णी लिखी, टीका लिखा, डॉक्यूमेंट्री लिखी, तो उन सब से जो 108 तरह के उपनिषद बने, वो भी बहुत सुंदर है। जो ईश्वर की वाणी है उनको हमारे ऋषियों और मुनियों ने जो है वो भाष्य लिखा, परिभाषित किया, जनमानस की भाषा में लिखा, ताकि वेद को सरल तरीके से जनता समझ सके, उसके लिए उपनिषद आए। उपनिषद वेदांत है और वो 108 तरह के हैं, जैसे कठोपनिषद है, तैतरीयोप उपनिषद है और बहुत से तरीके। 108 की पूरी हमारे पास में व्याख्या है, हमारे पास पुस्तकें हैं और उसमें हजारों लाखों तरह के, पहले सूत्रात्मक है और फिर उसकी व्याख्या है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, अन्य अन्य भाषाओं के अंदर है। तो ये वेदांत है, वो उपनिषद है। वेदांत को स्वामी विवेकानंद ने बहुत पॉपुलर किया। अब वेदांत के अंदर भी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे कि द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत और उसके अलग अलग जो ऋषि मुनि हुए हैं, और हमारे जो स्वामी विवेकानंद जो 125 साल से पूर्व में रामानुजाचार्य हुए हैं और शंकराचार्य हुए हैं, जिन्होंने वेदों की व्याख्या की, तो स्वामी विवेकानंद ने भी 125 वर्ष, हमने 150वीं अभी जयंती मनाई थी, तो उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत दिया, अप्लाइड वेदांत दिया, वो बहुत ही सुंदर वेदांत था। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि स्वयं की जो है खोज करो, उठो, जागो और तब तक जागृत रहो जब तक कि तुम जो है वो अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर सको, यानी ईश्वर की वाणी को आत्मसात करो। उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दिया कि आप इसको अपने हिसाब से वैज्ञानिक रूप से जो है इसका विश्लेषण करके, तर्क रूप के अंदर करके, और इसको लॉजिकली जो है, उन्होंने लॉजिक दिए, लॉजिकली इसको करके और अपने जीवन में जो उतारो, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, लॉजिक का युग है और आज का युग जो है प्रयोगात्मक युग है, हर जगह विज्ञान छाया हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल वेदांत दे करके उन्होंने हमारा बड़ा उपकार किया। ये बहुत गहरा विषय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा जो विषय जो है कि वेदांत के अंदर जीव और ब्रह्म, वेदांत की हमने बात की, उसके अंदर जीव बताया गया है और ब्रह्म बताया गया है, ये सभी वेदांत में सभी उपनिषदों के अंदर कॉमन है। तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म इस पूरी सृष्टि का संचालन जो करता है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये जगत है वो माया से भरा हुआ है, ये मिथ्या है, ये नाशवान है, ये जड़ है, लेकिन जो ब्रह्म है वो सब गुणों की खान है, एक आइडियल है, वो ईश्वर है, उसमें कोई अवगुण नहीं है और वो विशिष्ट है, तो इसीलिए वही सत्य है। तो ब्रह्म को सत्य माना, हम ब्रह्माष्टमी, मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ,
और जितने 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं वो जीव कहलाते हैं। वेदांत की भाषा में वो अलग अलग आत्माएं होती है। वो अलग अलग आत्माएं अपने अपने कर्मों के भुगतान के लिए शरीर धारण करते हैं। 4 गति होती है, नर गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और इन 4 गति में 84 लाख जीवा योनि होती है। मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूँ। 84 लाख कौन से हैं? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेज का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख 4 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि। इन सबकी टोटल करें तो 84 लाख जीवा योनि में सभी एक एक जीव जो उत्पत्ति स्थान है और संख्या असंख्य है वो सभी जीव है।